यानी कि जो है रिवीजन स्टार्ट की थी उसमें हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे और मैंने आपको कहा था कि आपने एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे जो है वो करने हैं तो किया आप लोगों ने या अभी नहीं ट्राई किया मैं अभी नहीं किया फिर मैं ये जो ये ठीक बात नहीं है क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है दोबारा से पढ़ने का तो आपको जो कराया जा रहा है वो आप साथ साथ में करें और किसने किए थे मैम दो चैप्टर के कर लिए दसवा ग्यारहवा और बाकी दो आज हाँ, कर दूंगा किए थे कल और आ, लेकिन इतने हैं नहीं उसमें लेकिन जो है अच्छे से दो चार मिनट लगते हैं तो करिए तो डिस्टिंग्विश बिटवीन जो क्वेश्चन होता है ये टू मार्क्स के अराउंड आता है तो इसके अंदर आपको जो आंसर में लिखना एक रिएक्शन लिखना होता है जो दो कंपाउंड्स जो जिनके बीच में आपको डिस्टिंग्विश पूछा गया है उन कंपाउंड जो है वो अलग अलग तरीके से देते हो या एक कंपाउंड रिएक्ट ना करता हो दूसरा कंपाउंड रिएक्ट करता हो और कोई ऑब्जर्वेशन देता हो ऑब्जर्वेशन का मतलब ये जो आप देख सकें या महसूस कर सकें ये ना हो कि वो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है और आप कहें कि ये रिएक्शन है नहीं ऐसा नहीं जो हम ऑब्जर्व कर सके लैब के अंदर परफॉर्म कर सके तो इसके अंदर कुछ बच्चे क्या करते हैं सपोज आपको मैंने दे दिया डिस्टिंग्विश uh, बिटवीन का तो लिखने लग जाते हैं कि इस कंपाउंड में ये ग्रुप है इस कंपाउंड में ये ग्रुप है तो वो सोचते हैं ये डिस्टिंग्विश बिटवीन के मार्क्स मिल जाएंगे तो नहीं मिलेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा आप उस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है बट आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा जिसकी कुछ ऑब्जर्वेशन हो जो आप लैब में परफॉर्म कर सके तो सबसे पहला जो आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन वो आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री अल्कोहल तो वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री अल्कोहल ये सब हम कर चुके हैं तो अब तो हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं उस चीज को तो अगर आपके पास दो कंपाउंड है उनमें से एक कंपाउंड जो है मान लीजिए वन डिग्री या टू टू डिग्री या थ्री डिग्री में से और दूसरा भी कंपाउंड इन्हीं में से कोई अल्कोहल है सपोज मान लीजिए एक आपका वन डिग्री अल्कोहल है दूसरा आपका थ्री डिग्री अल्कोहल है एक सपोज आपके पास मान लीजिए इथेनॉल दिया हुआ है दूसरा आपके पास ये जो है अल्कोहल दे रखा है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल दिया हुआ है अब अगर आप दोनों को देखे मैंने कहा डिस्टिंग्विश करो दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन दोनों में फर्क क्या है आप पहले ये जो चीजें हैं ये आपने अपने माइंड में सोचनी है कि दोनों में फर्क क्या है वो लिखना नहीं है फर्क दोनों में फर्क ये है कि एक वन डिग्री है एक थ्री डिग्री है लेकिन ये लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ठीक है आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा तो ये आप अपने माइंड में सोचिए कि भाई ये जो है ये इथेनॉल जो है ये वन डिग्री है और ये जो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ये थ्री डिग्री है तो इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे तो जब आपके पास वन डिग्री और टू डिग्री और थ्री डिग्री अल्कोहल में से आपको डिस्टिंग्विश करना हो तो उसके लिए हम ल्युकास टेस्ट करते हैं लुकास टेस्ट में क्या होता है थ्री डिग्री अल्कोहल जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है रिएक्टिविटी थ्री डिग्री अल्कोहल की सबसे ज्यादा होती है देन टू डिग्री देन वन डिग्री तो जब आप इसको ल्यूकास रिएजेंट के साथ ल्युकास रिएजेंट HCl सी एल प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को भी आ, को बोलते हैं और इसको आप सिंपली डिस्टिंग्विश बिटवीन में ल्यूकास रिएजेंट भी लिख देंगे तो भी चलेगा तो यहाँ पे वो अल्कोहल लिख दें जो भी आपको अल्कोहल डिस्टिंग्विश करनी है यहाँ पे थ्री डिग्री ना लिखें यहाँ पे वो अल्कोहल लिख दें जो थ्री डिग्री थी सपोज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल था तो यहाँ पे वो लिख दें और यहाँ पे लिख दें ल्यूकास रिएजेंट तो जो थ्री डिग्री अल्कोहल होगी उस केस में आती है इमीडिएट टर्बिडिटी और जो टू डिग्री अल्कोहल होती है वो कम रिएक्टिव होती है तो जब उसका रिएक्शन होता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ तो रिएक्शन को में टाइम लगता है तो टर्बिडिटी जो है वो पांच मिनट बाद आती है असल में क्या होता है यहाँ पे हेलाइट बन रहा होता है अल्काइल हेलाइट तो यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड बन रहा है जो कि पानी में सोलबल नहीं होता है तो जब वो बन जाएगा तो वो पानी में नहीं घुलेगा तो टर्बिडिटी आ जाएगी ऐसी जो वन डिग्री अल्कोहल होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं तो जब उसमें ल्यूकाश रिएजेंट डाला जाता है तो वी गेट नो टर्बिडिटी या नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर तो ये जो है आपको यूज करना है इस रिएक्शन को टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री अल्कोहल ठीक है नेक्स्ट आता है आपका एक कंपाउंड मान लीजिए सेचुरेटेड दिया हुआ है एक अनसेचुरेटेड दिया हुआ है सेचुरेटेड कंपाउंड में वी हैव ऑल कार्बन कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन रिंग को नहीं बोलते हैं बेंजीन रिंग जो है एरोमेटिक में आती है यहाँ पे हम अनसेचुरेटेड की बात कर रहे हैं जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सपोज मुझे एक दिया हुआ है इथेन और दूसरा मुझे दिया हुआ है सपोज दिस इज इथाइन तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला इसे एसे एसे भी बोल देते हैं तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए अगर आप मुझे बोला गया तो मैं क्या करूंगी इसमें जब मैं ब्रोमीन डालूंगी इन सीसीएल तो ये जो सेचुरेटेड कंपाउंड होगा इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा इट विल नॉट डिस्चार्ज द ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन जबकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा जब मैं इसमें ब्रोमीन इन सीसीएल फोर डालूंगी तो क्या होगा ब्राउन कलर जो ब्रोमीन का है वो डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसका ब्रोमीन के साथ जो है एडिशन रिएक्शन uh, हो जाएगा तो इसलिए ये रिएक्शन जो है ये हम यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनसेचुरेटेड कंपाउंड एंड सेचुरेटेड कंपाउंड मैं दोबारा ये चीज रिपीट कर रही हूं मान लीजिए आपको ये कंपाउंड आ जाते हैं दोनों तो आपको इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है इथेन और इथाइन में तो आपने ये नहीं लिखना है कि भाई इसमें सिंगल बॉन्ड है इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है ये आपने अपने माइंड में सोचना है कि भाई दोनों में वैसे विजुअली अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं क्या फर्क होगा फर्क ये है कि भाई वो सिंगल बॉन्ड वाला है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला है मतलब एक सेचुरेटेड है एक अनसेचुरेटेड है तब आपको आगे सोचना है कि हमें डिस्टिंग्विश के लिए एक सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए कौन सा रिएक्शन यूज करना पड़ेगा तो फिर आप उसमें ये वाला जो रिएक्शन है In CCL4, ये लिख सकते हैं लेकिन आपको ये नहीं लिखना है दोबारा बता रही हूँ कि इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है उसमें वो फंक्शनल ग्रुप है इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं ये बात मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है यही काम करते हैं देन बेटा नेक्स्ट आता है फिनॉल अगर मान लीजिए आपको एक फिनॉल दिया हो फिनॉल क्या होता है जब बेनजीन रिंग के ऊपर ओ OH एच होता है डायरेक्टली जो ओ OH एच ग्रुप होता है वो बेनजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा होता है ये जो रिएक्शन है ये आपका सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल भी देते हैं मतलब जिसमें सिर्फ ओ ग्रुप ना हो जैसे यहाँ पे ये अगर आप देखें दिस इज क्रिजॉल क्रिजॉल दिस इज ऑर्थो तो ये कंपाउंड मतलब जितने भी फिनॉल्स होते हैं अगर आप उनमें न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालें जितने भी फिनॉल्स होंगे तो उनमें वॉलेट या ग्रीन कलरेशन आती है नॉर्मली वॉलेट ही लिख दीजिए ग्रीन वो डिपेंड करता है वॉलेट या ग्रीन की कौन सा आप फिनॉल ले रहे हैं बाकी वॉलेट कलरेशन लिख दें बाकी इसके अलावा अगर मान लीजिए फिनॉल के सामने कोई और कंपाउंड दिया हो मतलब कोई और फंक्शनल ग्रुप दिया हो कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिया हो फिनॉल के अलावा उसमें अगर आप न्यूट्रल फेरेक्लोराइड डालेंगे तो कोई भी वॉयलेट कलरेशन नहीं आती है ग्रीन नहीं लिखना यहाँ पे मतलब कि नो वॉयलेट कलरेशन तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट uh, हो गया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड अदर फंक्शनल ग्रुप हालांकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके केस में जो है थोड़ा बफ कलर आता है पर मैंने यहाँ पे uh, लिख दिया है कि नो वॉलेट कलरेशन ठीक है तो वैसे उसमें थोड़ा कलर आता है लेकिन वो वॉलेट नहीं होता है या ग्रीन नहीं होता है वो क्या होता है बफ कलर होता है थोड़ा लाइट कलर होता है वो आता है बफ कलर आता है ये uh, नहीं आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में बट आप इतना लिख दें कि एक फिनॉल दे रखा है और दूसरा मान लीजिए कोई और फंक्शनल ग्रुप दे रखा हो तो ओफिनॉल के केस में क्या आएगा वॉलेट कलरेशन आएगी और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें वॉलेट कलरेशन नहीं आएगी तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है देन जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि सपोज आपके पास एक और टेस्ट है ये आप तब यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये जो टेस्ट है ये फिनॉल भी देते हैं कार्बोक्सलिक एसिड भी देते हैं तो अगर आप फिनॉल को और कार्बोक्सलिक एसिड को किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से मतलब फिनॉल को कार्बोक्सलिक से नहीं क्योंकि ये टेस्ट दोनों देंगे जो अभी मैं बताऊंगी असल में अगर मान लीजिए आपके पास एक फिनॉल है और दूसरा कोई और कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं वो टेस्ट बड़ा सिंपल सा है क्योंकि दोनों ही एसिडिक होते हैं तो आप दोनों में फिनॉल या कार्बोक्सिलिक एसिड में ब्लू लिटमस डालेंगे देन विल कन्वर्ट ब्लू जबकि जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप होंगे उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है रिपीट कर रही हूं कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी दूसरे कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट हम यूज कर सकते हैं देन आता है मान लीजिए आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ये जो अब टेस्ट बता रही हूं ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है और पिक्रिक एसिड देता है पिक्रिक एसिड किसको बोलते हैं जब आपका ऐसा फिनॉल जिसमें तीन एनओ टू ग्रुप लगे हो ऑर्थो और, और पैरापोजिशन इसका जो नाम है वो है टू फोर सिक्स ट्राइ नाइट्रोफिनॉल ये पिक्रिक एसिड होता है ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड और पिक्रिक एसिड दोनों में ही अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं क्योंकि पिक्रिक एसिड हालांकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है तो ये माइल्ड बेस के साथ रिएक्ट करके भी ब्रिस्क एफरवसेंस देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है इसलिए आती है लेकिन बाकी जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो ये ब्रिस्क एफरवसेंस नहीं देते हैं तो अगर आप देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मान लीजिए ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है बेंजोइक एसिड है और ये मेरे पास फिनॉल है तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो अब तक मैंने पढ़ा है मैं दो टेस्ट यूज कर सकती हूँ पहला यूज कर सकती हूँ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड वाला तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड में ये जो फिनॉल होगा ये वॉलेट कलरेशन देगा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ये वॉयलेट कलरेशन नहीं देता हालांकि बफ कलर देता है पर आप इतना लिख दें नो वॉयलेट कलरेशन तो भी ठीक है ठीक है एक टेस्ट तो आप ये यूज कर सकते हैं दूसरा आप यूज कर सकते हैं कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये बेंजोइक एसिड मैंने बनाया है इसमें अगर आप सोडियम बाय कार्बोनेट डालें कार्बोनेट तो ये तो येफरवसेंस देगा फिनॉल में अगर सोडियम बाय कार्बोनेट डालेंगे तो ये ब्रिस्केफरवसेंस नहीं देगा तो हम ये दो यूज कर सकते हैं टू तो डिस्टिंग्विश बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल ठीक है बाकी आता है क्वेश्चन ये जो पिक्रिक एसिड हाँ तो मैंने ये बता दिया कि जो पिक्रिक एसिड है वो भी देता है तो पिक्रिक एसिड दोबारा ड्रॉ कर दिया है। अब बेटा एक जो टेस्ट है वो मैंने पहले भी आपको बताया था जो फिनॉल होते हैं फिनॉल अनसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की बात हो रही है यहाँ पे मतलब जहां पे सिर्फ बेंजीन के ऊपर ओ एच ग्रुप लगाओ और कोई ना हो या एनलिन सिर्फ एनलिन बेंजीन के ऊपर एनएच टू ग्रुप हो दिया हो तो ये दोनों क्या करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको ध्यान होगा ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पे मान लीजिए फिनॉल है तो यहाँ पे तीनों पोजिशन पे ऑर्थो और, और पैरा पे क्या आ जाएगा ब्रोमीन आ जाएगा यहाँ ये ब्रोमो प्रोडक्ट बनाते हैं टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो फिनॉल या टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो एनलिन तो ये जो होता है ये पानी में सोलबल नहीं होता ये व्हाइट पीपीटी देता है तो व्हाइट पीपीटी देता है पहले क्या करेगा ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर देगा उसका ब्राउन कलर डिस्चार्ज करके फिर बाद में जो कंपाउंड बनता है वो व्हाइट पीपीटी देता है तो ये जो टेस्ट है ये आप तब यूज कर सकते हैं अगर आप फिनॉल को किसी दूसरे फिनॉल या एनलिन को किसी दूसरे कंपाउंड कोई भी कंपाउंड हो सकता है सपोज आप कहें कि मैम पिक्रिक एसिड ले सकते हैं ले सकते हैं आप पिक्रिक एसिड जो है वो ये टेस्ट नहीं देगा व्हाइट पीपीटी वाला या आप कहें कि मैं फिनॉल और, और मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं फिनॉल ले रहा हूं और ये साथ में क्रिजोल ले रहा हूं क्या इससे डिस्टिंग्विश कर सकता हूं फिनॉल और क्रिजोल को कर सकते हैं क्योंकि फिनॉल जो है वो ये टेस्ट देगा लेकिन ये जो क्रिजोल है ये मैंने ऑर्थो क्रिजोल बना है इसका आयो नेम होता है टू मिथाइल फिनॉल तो ये जो है ये व्हाइट पीपीटी नहीं देगा ठीक है ये समझ में आ गया सबको यस yes, मैम ठीक है yes, तो इस टेस्ट से आप फिनॉल और पिक्रिक एसिड को तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना बाकी आता है आपका सपोज आपके पास एल्डिहाइड और किटोन है दो कंपाउंड दिए हुए उनमें से एक एल्डिहाइड है या किटोन हो सकता है और जो दूसरा कंपाउंड है वो इन दोनों के अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है तो आप दोनों में टू फोर डीएनपी रिएजेंट डालेंगे तो जो एल्डिहाइड या किटोन होगा वो येलो रेड या ऑरेंज पीपीटी देगा लगभग इसी शेड में आता है येलो रेड या ऑरेंज पीपीटी आता है डिपेंड करता है कौन सा कंपाउंड है हमारा तो इसलिए आप ऑरेंज पीपीटी भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे तो हम लिख रहे हैं ना करके जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे येलो रेड और आपका जो है ऑरेंज पीपीटी हो सकता है जबकि जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप होंगे चाहे वो एसिड्स हो चाहे अल्कोहल्स हो उनमें अगर आप टू फोर डी एन पी डालेंगे तो कोई येलो ऑरेंज पीपीटी नहीं आएगा ठीक है अब ये जो टेस्ट है इससे आप एल्डिहाइड और किटोन्स को किसी दूसरे कंपाउंड के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सपोज मान लो आपको मैंने ये दे दिया दिस इज एस्टेलडीहाइड या इसे इथेनल बोलते हैं और एक साथ में मैंने दे दिया ये वाला कंपाउंड इसका नाम है एसिटोन या इसको प्रोपेनोन भी बोलते हैं आयुपेक्नोमन क्लेचर तो अब मैंने कहा इन दोनों को डिस्टिंग्विश कीजिए तो पहला तो आप अपने माइंड में सोचिए दोनों में क्या फर्क है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप तो आप ध्यान से देखेंगे ये वाला जो कंपाउंड है ये एल्डिहाइड है और ये किटोन है तो जब ऐसी सिचुएशन आए कि भाई एक एलडीहाइड हो दूसरा हो तो हम कौन सा जो टेस्ट है वो करेंगे क्योंकि देखिए जो अभी मैंने टू फोर डीएनपी वाला जो आपको टेस्ट बताया है इससे तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्यों नहीं देंगे? कर सकते हैं? क्योंकि दोनों ही ये कंपाउंड ये टू फोर डीएनपी टेस्ट देंगे तो इसलिए हम कोई और रिएजेंट यूज करेंगे जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट तो जो एल्डिहाइड एल्डिहाइड मतलब सारे के सारे एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया ना कि मैंने सिर्फ लिखा एलडीहाइड इसका मतलब जितने भी एलडीहाइड है और साथ ही साथ ये होता है बेटा फॉर्मिक एसिड इसे एसिड भी बोलते हैं अगर आप ध्यान से देखें इसमें ये सिर्फ इकलौता एसिड होता है जिसमें अगर आप देखें सीओ ग्रुप भी देखने को मिलता है और सीएचओ ग्रुप भी देखने को मिलता है तो ये जो फॉर्मिक एसिड होता है वो ये टेस्ट दे देता है तो इस टेस्ट से हम फॉर्मिक एसिड को दूसरे एसिड से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना तो ये एक मैंने अलग सा टेस्ट बताया एल्डिहाइड और जो फॉर्मिक एसिड होता है जब उसमें आप टॉलेंस रिएजेंट डालते हो तो जो है आपका जो है सिल्वर बनता है देन अगर आप देखें किटोन किटोन में अगर आप टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो कोई सिल्वर मिरर नहीं आता है टॉलेंस रिएजेंट का डिस्टिंग में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है फॉर्मूले में तो आप फॉर्मूला मत लिखे फॉर्मूला अगर आप गलत लिख देंगे तो मार्क्स कट सकते हैं क्योंकि वो रिएजेंट ही अलग हो जाएगा फॉर्मूला अगर गलत हो गया तो उससे बेटर है आप टॉलेंस रिएजेंट वर्ड लिख लिखते यहाँ पे हम पूरा प्रोसीजर नहीं लिख रहे हैं कि कैसे टॉलेंस हम करते हैं लैब के अंदर लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिए कि अगर एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड होगा तो दोनों ही टॉलेंस रीजन के साथ सिल्वर मिरर देंगे इसके अलावा चाहे किटोन हो चाहे कोई और कंपाउंड क्यों ना हो मैंने यहाँ हालांकि लिखा नहीं है किटोन या कोई और कंपाउंड वो सिल्वर मिरर नहीं देगा इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है देखिए एल्डिहाइड और किटोन के बीच में डिस्टिंग्विश के लिए तो आप टॉलेंस भी यूज कर सकते हैं लेकिन अगर मान लो आपके पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइडो हो और दूसरा एलिफेटिक हो अब आप खुद देखिए ये जो है दिस इज बेन्जेलडी और ये जो सेकेंड मैंने बनाया है दिस इज एस्टेल्डीहाइड या इसे इथेनल बोल देते हैं तो दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे क्योंकि दोनों अभी तक जो मैंने दो टेस्ट बताए हैं टू फोर दोनों देते हैं उसके बाद मैंने टॉलेंस बताया ये दोनों टॉलेंस टेस्ट देते हैं तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए मीन किन को एलिफेटिक एलडीहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये टेस्ट यूज कर सकते हैं अब ये जो टेस्ट है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड दोनों देते हैं अगर दोनों में फैलिंग्स रिएजेंट डालेंगे तो रेड ब्राउन पीपीटी आएगा सिंपल रेड भी लिख देंगे तो भी चलेगा पर रेड ब्राउन पीपीटी आता है देन अगर आप किटोन या एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे और उनमें फैलिंग डालेंगे तो कोई भी रेड या ब्राउन पीपीटी नहीं आएगा तो इस टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश एलिफेटिक एल्डिहाइड फ्रॉम एरोमेटिक एल्डिहाइड ये समझ में आ गया सबको यस yes, मैम <clears throat> अब बेटा नेक्स्ट आता है कार्बाइल अमीन कार्बाइल अमीन टेस्ट ये जो टेस्ट है ये हम डिस्टिंग्विश करते हैं अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन हो हमारे पास तीन तरह के अमीन होते हैं अभी पीछे हमने पढ़े थे एक होता है आपके पास प्राइमरी दिस इज प्राइमरी नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से अमीन में तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी हो गया देन आता है आपका टर्शरी तो टर्शरी के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कुछ नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है तो अगर आप वन डिग्री अमीन को क्योंकि ये जो टेस्ट है कार्बाइल अमीन का ये सिर्फ वन डिग्री अमीन देते हैं अब वन डिग्री अमीन मतलब प्राइमरी अमीन देते हैं चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो दोनों ही ये टेस्ट देंगे मतलब अगर आप दोनों में क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहोलिक के साथ हीट करें दोनों को एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को तो दे विल गिव फाउल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड लेकिन अगर आपके सामने जो दूसरा कंपाउंड दिया हो वो आपका टू डिग्री थ्री डिग्री अमीन या कोई और फंक्शनल ग्रुप को तो अगर आप उसमें ये रिएजेंट डालेंगे क्लोरोफॉम प्लस अल्कोहलिक केओ और हीट करेंगे तो आपको कोई भी आइसोसाइनाइट कंपाउंड नहीं बनेगा तो जब कंपाउंड नहीं बनेगा तो कोई स्मेल ही नहीं आएगी उस कंपाउंड की तो नो फॉल्ट स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइट तो ये टेस्ट से आप वन डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टू डिग्री और थ्री डिग्री से मतलब वन डिग्री के सामने अगर टू डिग्री या थ्री डिग्री अमीन दिया हो, या कोई और फंक्शनल ग्रुप दिया हो. तो वैसे भी ना जो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन होते हैं ये नहीं है कि दो कंपाउंड दिए हो आप उसके लिए सिर्फ एक ही टेस्ट होगा डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको जो याद आ जाए उस टाइम जैसे सपोज मान लो अगर आपको सपोज फिनॉल दिया हो, और दूसरा आपको एसिड दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं दो टेस्ट यूज कर सकती हूँ एक सोडियम बाइकार्बोनेट वाला जो कि जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं लेकिन ये नहीं देते हैं अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं वो लिख देते हैं कि जैसे मान लीजिए दिस ये दोनों मैंने एग्जाम्पल दे दिया और मैंने कहा इनको डिस्टिंग्विश करो तो वो क्या करते हैं लिख देते हैं Uh, ये जो कंपाउंड है ये दिस इज बेंजोइक एसिड कहेंगे दिस कंपाउंड विल गिव जो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट अब टेस्ट है क्या वो तो बताइए देगा देगा या नहीं देगा? और दूसरे कंपाउंड के बारे में लिखते ही नहीं है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं यहाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं सिर्फ टेस्ट का नाम लिख देते हैं लिख देते हैं दीस टू कंपाउंड आर डिस्टिंग्विश बाय टू कंपाउंड विल बी डिस्टिंग्विश बाय सोडियम बाय टेस्ट अब वो टेस्ट क्या है बताइए तो सही कौन देगा कौन नहीं देगा या दोनों किस तरीके से देंगे वो टेस्ट को तो ये ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे ये जैसे मैंने लिखा हुआ इस हिसाब से लिख दीजिए ये सिंपल तरीका होता है ठीक है देन नेक्स्ट आता है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट ये टेस्ट जो है ना कई जगह पे यूज होता है और कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि कोई और जो टेस्ट है ना वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है जो हमारे पास क्वेश्चन में कंपाउंड दिए होते हैं आइडोफॉर्म वहां यूज होता है अब आइडोफॉर्म देता कौन कौन सा कंपाउंड है आइडोफॉर्म जो है सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहल देता है एक ही प्राइमरी अल्कोहल देता है वो कौन देता है इथेनॉल जिसे सिंपल uh, लैंग्वेज में अल्कोहल भी बोल देते हैं जर्नल नाम इथेनॉल का अल्कोहल है ये इथेनॉल देता है अब इथेनॉल के सामने सपोज मैं आपको दे दू प्रोपेन वन ओल। अब आप खुद ये दोनों वन डिग्री हैं। हैं दोनों वन डिग्री है, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे आप सोचते रह जाएंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऊपर वाला जो कंपाउंड है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है बाकी कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता है ठीक है दूसरा सिर्फ एक ही एल्डिहाइड ये तो अल्कोहल की बात हो गई प्राइमरी की दुनिया में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है एल्डिहाइड की बात हो रही है जो ये टेस्ट देता है वो है एस्टेलडी या इसको इथेनल भी बोल देते हैं इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड अगर आप कहें कि बेंजेलडी देगा नहीं देगा बेंजेलडी भी नहीं देगा कोई भी एल्डिहाइड क्यों ना हो सिर्फ इथेनल को छोड़ के बाकी कोई ये टेस्ट नहीं देगा कौन देगा सिर्फ इथेनल देगा इसके अलावा सेकेंडरी अल्कोहल भी ये टेस्ट देता है पर वो वाला सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें ये एंटिटी प्रेजेंट हो मतलब जो ओ OH एच है वो सेकेंड पोजिशन पे एक किनारे से आप देखें इधर प्रेजेंट है और यहाँ पे सी एच थ्री भी होना चाहिए कोई बच्चा कहे मैम यहाँ सी एच थ्री की जगह पे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये टू लगा दू और यहाँ पे ओ एच लगा दू ये देगा तो नहीं ये नहीं देगा मतलब ऐसी अल्कोहल जिसके अंदर जो है यहाँ पे सी एच थ्री सी एच ओ मतलब ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए अब ये जो आर है ये कुछ भी हो सकता है चाहे ये कोई एरोमेटिक रिंग हो हमें कोई मतलब नहीं है उससे ठीक है हमें मतलब ये है कि यहाँ पे सी एच ओ एच और उसके साथ में सी एच थ्री होना चाहिए बस ये आर अब एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो या कितनी भी लॉन्गेस्ट चेन क्यों ना हो हमें इससे मतलब नहीं है पर इस तरह के जो अल्कोहल्स होंगे वो ये टेस्ट देंगे इसके अलावा किटोन भी ये टेस्ट देता है और वो वाला किटोन मतलब मिथाइल किटोन मिथाइल किटोन मतलब यहाँ पे सी एच थ्री ग्रुप होना चाहिए उसके आगे सी एच सी डबल बॉन्ड ओ किटोनिक ग्रुप होना चाहिए और कोई किटोन होगा सपोज कोई बच्चा मेरे से पूछे कि मैम ये जो किटोन है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ सपोज ये क्या ये टेस्ट देगा तो पहली बात आप इसमें देखिए इसमें हालांकि सीओ है लेकिन यहाँ पे इसके सीओ के बिल्कुल साथ में सी एच थ्री होना चाहिए तो वो नहीं है तो ये, ये टेस्ट नहीं देगा कौन टेस्ट देगा जिसमें इस तरह की एंटिटी प्रेजेंट होगी मिथाइल किटोन होगा जो सीओ सी एच थ्री तो इसमें टेस्ट होता क्या है कि ये जो भी कंपाउंड हो अगर आप इसमें आयोडीन प्लस एनएच डालें कई लोग इसको Naoib लिख देते हैं तो अगर आप आयोडीन इन डालें तो क्या होगा इट विल गिव येलो पीपीटी अब ये येलो पीपीटी क्यों बनता है क्योंकि आयोडो फॉर्म बनता है इसका येलो पीपीटी आता है आप आयोडो फॉर्म का फॉर्मूला नहीं भी लिख रहे तो भी चलेगा पर येलो पीपीटी लिखेंगे जरूर कि भाई ये येलो पीपीटी देगा बाकी जो कंपाउंड्स होंगे इन कंपाउंड्स के अलावा वो कोई भी येलो पीपीटी नहीं बनाएंगे मतलब वो आयोडोफॉर्म नहीं बनाएंगे विद आयोडीन एंड एनएच ये सबको समझ में आया यस मैम यस मैम ठीक है अब बेटा एक आता है कपलिंग रिएक्शन अब ये जो कपलिंग रिएक्शन है ये फिनॉल और एनलिन देते हैं इसके अलावा मैंने ये बताया था कि पैरा जिनकी पैरा पोजीशन फ्री होती है मोस्टली वो देते हैं क्योंकि जो पैरा पोजिशन होती है अगर पैरा पैरापोजिशन फ्री है तो ये जो यहाँ पे जो पीपीटी बनेगा ना वो काफी ब्राइट बनता है हालांकि अगर पैरा पैरापोजिशन फ्री नहीं है तो वो ऑर्थोपोजिशन को यूज भी कर लेते हैं तो ऐसे कंपाउंड भी बनते हैं ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन को यूज करके डाई बनती है वो एजो डाई बनती है पर वो जो कलर है वो इतना ब्राइट नहीं आता है तो उतनी वो लेवल पे तो टेस्ट नहीं आएगा मैं ये नहीं ये मत सोचिएगा सिर्फ पैरा पैरा देते हैं ब्राइट कलर में ठीक है जो अगर मान लीजिए पैरा पोजिशन फ्री नहीं है तो वो ऑर्थो भी पे भी डाई बन जाती है पर क्या होता है वो जो कलर होता है वो उतना ब्राइट नहीं होता है बढ़िया सा नहीं होता है तो अगर मान लीजिए आपके पास फिनॉल और हो, आपको इसे किसी और कंपाउंड से हालांकि देखिए ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो हम जो है मतलब ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो जिससे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जरूरी नहीं यही वाला करना है ये ये तो मैं सिर्फ सिर्फ बता रही अच्छा ये टेस्ट सिर्फ एनलिन देता है एनलिन में अगर आप ये कहें कि मैम ये जो आप टू डिग्री एनलिन की बात करें इस तरह से कुछ तो ये देगा ना ये नहीं देगा एनलिन देगा एनएच देगा तो क्या करते हैं अगर हम इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डालें जो फिनॉल होते हैं ना वो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में देते हैं और जो एनलिन होते हैं ये होता है थोड़ा सा जो फिनॉल होता है अगर आप उसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन बेसिक मीडियम डाले तो एजोडाई बनती है ऑरेंज पीपीटी आता है जबकि एनलिन के केस में अगर आप एसिडिक मीडियम यूज करते हैं उसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डालें तो आपको येलो पीपीटी आएगा ठीक है तो अगर आपके पास मान एन, लीजिए के सामने कोई और जो है जैसे मैंने दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ मिथाइल एनलिन दिया हुआ तो आप ये टेस्ट यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग बिटवीन द टू बाकी बेटा आता है डिस्टिंग uh, टेस्ट वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री अमीन के बीच में ये हमने किया था हिंसबर्ग रिएजेंट मान लीजिए आपके पास एक वन डिग्री अमीन है और एक टू डिग्री है तो उसके लिए तो सिंपल सी चीज है आप कार्बाइल अमीन टेस्ट यूज कीजिए क्यों ये कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट यूज करेंगे लेकिन अगर मान लीजिए सपोज एक आपके पास टू डिग्री अमीन है और दूसरा थ्री डिग्री अमीन है तो उसके लिए आप ये जो है टेस्ट यूज कर सकते हैं तो हिंसबर्ग टेस्ट हम यूज करेंगे इसमें हम क्या करते हैं जो वन डिग्री अमीन होता है

और ऐसे ही टू डिग्री अमीन का इसको मैंने अच्छे से डिटेल में पहले कराया था तो आप उसको देख लीजिएगा जो टू डिग्री अमीन होता है जब उसमें हम ये टेस्ट करते हैं तो वी गेट इन कंपाउंड इन के एक ऐसा कंपाउंड बनता है जिसमें अगर आप के डालें तो वो सोलूबल नहीं होगा हाँ जब उसको उसमें ऐसे डाल लेंगे तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इट विल रिमेन इनसोलुबल देन बेटा जो थ्री डिग्री अमीन आता है उसमें अगर आप ये रिएक्शन परफॉर्म करें आप उसको शेक करें विद रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ विध हिंस बच तो आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा ये जो थ्री डिग्री अमीन होगा इट विल रिमेन इन इनसोलुबल लेकिन हाँ क्या होगा अगर आप उसमें एसिड डाल दें तो वो सोलबल हो जाएगा जबकि वन डिग्री अमीन में जो है सॉरी जो टू डिग्री अमीन था उसमें भी इनसॉल्यूबल कंपाउंड है पर वो क्या होता है एसिड डालने पर उसकी सोलबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है पर थ्री डिग्री अमीन का रिएक्शन ही नहीं होता है इस वजह से वो इनसोलुबल रहता है केओएच में लेकिन एसिड डालने के बाद वो सोलुबल हो जाता है बिकॉज ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन इसको हमने पहले ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था ये सबको समझ में आ गया yes, man. yes, yes बेटा जो आता है एजोडाइटेस्ट एजो डाई टेस्ट सेम वही है कपलिंग रिएक्शन ही है लेकिन इसको ना अलग तरीके से भी कई लोग परफॉर्म करते हैं देखिए ये जो एजो डाई टेस्ट है अगर हम देखें अगर मान लीजिए मेरे पास एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है सपोज मुझे दे दिया एनलिन और मुझे दूसरा दे दिया आ, सपोज मुझे दे दिया ये वाला कंपाउंड दे दिया मिथिन अमीन दोनों ही प्राइमरी अमीन है दोनों ही कार्बाइल है दोनों ही हिंस रिएजेंट के साथ एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे तो या तो मैं कपलिंग रिएक्शन जैसे मैंने उस तरह से लिखा था वैसे यूज कर लूँ या एक और तरीके से भी लोग लिखते हैं वो क्या करते हैं ये जो एनलिन वगैरह होता है इससे क्या करते हैं डाइजोनियम सोल्ट बनाते हैं बाय एन एनओ टू प्लस एच सी एल जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस तो ये डाइजोनियम सोल्ट बनाते हैं मतलब हम पीछे देखा था ना कि हम एनलिन का जो है उसके अंदर क्या कर रहे थे हम एनलिन में हम डाइजोनियम सॉल्ट खुद डाल रहे थे इन एसिडिक मीडियम तो आप वैसे भी कर सकते हैं और यू कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो कि एनलिन से पहले आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए उसमें अगर आप बीटा नेफ्थोल नेफ्थॉल जो है ये फिनॉल है एक तरह का इसमें दो बेंजीन रिंग होती हैं तो बीटा नेफ्थॉल इस तरह से होता है कुछ यहाँ पे ओ OH एच होता है अल्फा आई थिंक इधर होता है ना तो यहाँ ओ एच OH ग्रुप होता है तो बीटा जो नेफ्थॉल होता है जब उस वो हम डालते हैं इसमें दो बेंजीन रिंग फ्यूज होती है तो रेड एजो डाई आती है ये जो डाई है इसका कलर डिपेंड करता है कौन सा एनलिन ये आप ले रहे हैं बाकी जो वन डिग्री अमीन होगा उसमें अगर आप ये डालेंगे आपको पता है नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है ठीक है उसमें इसी स्टेप में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है वो ये टेस्ट नहीं देता है वन डिग्री अमीन ऐसी टू डिग्री अमीन नहीं देता थ्री डिग्री नहीं देते तो आपको जो कंफर्टेबल लगे दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं देन बेटा आता है अल्कोहल और ईथर के बीच में अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो अल्कोहल में अगर आप सोडियम मेटल डालें तो यू गेट ब्रिस्केफरवसेंस और ईथर अगर आपको दिया उसके सामने तो उसमें अगर आप सोडियम डालेंगे तो ब्रिस्केफरवसेंस नहीं आएगी तो ये जो टेस्ट है ये आप तब यूज कीजिए अगर आपको एक अल्कोहल दिया दूसरा इथर दिया हुआ है तब आप इनको यूज कर सकते हैं डिस्टिंग्विश के लिए तो अभी हम ये हमारे सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट थे तो अभी अगली क्लास में हम क्या करेंगे ये कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी और कुछ जो है हम यहाँ पे कुछ रिएक्शन